मेरे लिए ये अचंभित था, अचंभा करने वाला था। मुझे लगा कोई आदमी अपनी तरफ से स्क्रिप्ट दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। असल में मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस उस स्पेस में हूँ और जो घट रहा है मैं उसका हिस्सा होता जा रहा हूँ। It's a huge privilege to have Kumud Mishra sir with us here in Lucknow. He's shooting for Abhi Toh Party Shuru Hui, and a huge admirer of his work. I've spoken to him once, but aksar inki filme of late aayi hain, and he has surprised and impressed in each and every venture of his. It's a pleasure having you first of all on BollywoodHungama. And first of all, sir, if you can tell us something about Party Toh, Abhi Toh Party Shuru Hui, I think बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दैट व्हाट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एज कैरेक्टर एक्टर्स 12 कैरेक्टर एक्टर्स एक साथ में आए हैं व्हिच आई थिंक बहुत रेयरली हैपेंस. हाँ मतलब मैं इतने साल से मुंबई में हूँ, मेरे साथ तो ये पहली बार ही हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे अभिनेता हैं जो मंझे हुए अभिनेता हैं जो एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं, और उन सबके साथ काम करना, उन सबको एक ही फ्रेम में देखना और उनकी प्रोसेस को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो यह बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। अनुभव सिन्हा ने इसको लिखा भी है एंड ही इज डायरेक्टिंग इट हिमसेल्फ. इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एज वेल. हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम? बिकॉज अनुभव एक जिस तरीके के मिलियू से आते हैं, बनारस में इनका पैदाइश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, हाँ एंड अलीगढ़ में इनका इनकी 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 एजुकेशन हुई है. सो ही हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल, यूनिक अपब्रिंगिंग फॉर दैट मैटर. उसी वजह से आई थिंक वो राइटिंग में कहीं ना कहीं उनकी नज़र भी आती है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट इस फिल्म में ही इज़ लिटरली डिगिंग इन टू इट. यह मेरा पहला मौका है उनके साथ काम करने का। और मतलब शुरुआत पहली मुलाकात से हुई, जो जो उनके ऑफिस में हुई, जब मैं गया और उन्होंने फिल्म के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन आधे पे रुककर उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्क्रिप्ट पढ़िए। तो मेरे लिए ये अचंभित था, अचंभा करने वाला था। मुझे लगा कोई आदमी अपनी तरफ से स्क्रिप्ट दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने कहा बॉस ये तो नहीं छोड़ सकते हैं, ये अद्भुत स्क्रिप्ट है। मतलब ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप अकेले में पढ़ते पढ़ते, और ये बहुत रेयर होता है कि आप पढ़ रहे हैं और हंस रहे हैं जोर जोर से, तो उस तरह की ये स्क्रिप्ट थी। और तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए। और फिर क्या है, जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, अभी जो जिस प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक वो बच्चों वाला उत्साह है। बिल्कुल. तो मैं इनफैक्ट कल ही किसी अभिनेता से, शाह सौरभ भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा यार दिव्या जी से मुझे याद नहीं रहता, पर मैं ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा ये बाकी फिल्मों में भी यही प्रोसेस होता होगा, क्योंकि मुझे तो असंभव लगता है कि ये वाली जो प्रक्रिया जो इस फिल्म में अपना रहे हैं, ये किसी और फिल्म में अपना पाते होंगे। और अभिनेताओं की तरफ से सोचते हैं ये, मतलब पूरी फिल्म इन्होंने अभिनेताओं की तरफ से बनाई है। पहले उनको तय करने देते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। और जैसे एक्टर्स जब काम करते हैं इस तरह की फिल्म में, ज़्यादातर चूंकि मंझे अभिनेता हैं तो बहुत लोग, बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। पर मैंने डायरेक्टर को इतना इम्प्रोवाइज करते हुए पहली बार देखा है, एक्टर की तरह इम्प्रोवाइज कर रहे हैं वो सीन्स को। नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं। तो ये अपने आप में मज़ेदार मज़ेदार प्रोसेस है जी। कुछ अगर आपने किरदार के बारे में बताएं, बिकॉज आई थिंक इतने सारे मंझे हुए कलाकार, पवन मल्होत्रा साहब हैं, सौरभ शुक्ला हैं, ऋचा चड्ढा हैं, दिव्या दत्ता जी, शी इज जस्ट वन अ नेशनल अवार्ड एज वेल. जी सो अगर कुछ तजुर्बे के बारे में आप बताएं कि कैसा तजुर्बा रहा. मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। असल में मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस उस स्पेस में हूँ और जो घट रहा है मैं उसका हिस्सा होता जा रहा हूँ। जहाँ तक बाकी एक्टर्स के साथ, दिव्या जी के साथ मैंने काम किया जी है एक फिल्म में, राम सिंह चार्ली, उसमें हम लोगों ने साथ काम किया है। तो सौरभ भाई के साथ जॉली में काम किया। तो अलग अलग हिस्सों में आपने लोगों के साथ कहीं कहीं टुकड़ों में काम किया है, पर इस तरह से सबके साथ एक साथ काम करने का पहला अनुभव है। तो अनुभव मज़ेदार है, बिकॉज आप एक पूरी फिल्म का हिस्सा हैं जहाँ पे सारे अभिनेता लगभग एक साथ हैं, राइट. और उसमें आप हर आदमी के अलग प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे वो काम को अप्रोच करते हैं, किस तरह से चीज़ों को कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ कैरेक्टर को लेकर के जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग कहीं पहुँच गए हैं, मुझ जैसा अभी भी खोज रहा है कि कहाँ जाना है, इसलिए मैं कैरेक्टर के बारे में बता भी नहीं पा रहा हूँ
क्योंकि मैं अभी कहीं पहुंचा नहीं हूँ. होपफुली आज आखिरी दिन था, तो आज अगर कहीं पहुंचाऊंगा तो डायरेक्टर को पता होगा. सर, अगर आपके आपकी फिल्मोग्राफी के बारे में अगर बात करें, पिछले आई थिंक स्पेशली 4-5 साल में आई थिंक यू डन सम फिनोमिनल वर्क. एयरलिफ्ट में हम लोग मुलाकात हुई थी, उसके अलावा सुल्तान में आपका बहुत ही आपका कमाल का आपका काम है, जॉली एलएलबी 2 में आपका आपका बहुत अच्छा आपका कमाल काम है, अभी आप अयारी में आप नजर आए थे. फिल्म उतना नहीं चली, पर्सनली मुझे उसके सर्टन पोर्शंस बहुत पसंद आए थे एंड आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड दैट मे बी फिल्म डिड नॉट वर्क उस तरीके से. अगर आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं. मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं असल में शहर में रहते हुए मुझे अब तो 22-23 साल हो गए हैं, और मैं थिएटर लगातार कर रहा था और थिएटर मेरा पहला लव है. हाँ, तो मैं उसमें लगा हुआ था. तो फिल्मों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था. जो काम आ रहा था मैं करते जा रहा था, और चूंकि मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं थी तो मुझ तक जा भी नहीं रहा था. मुझे लगता है जो होता है सही समय पर होता है, तो सही समय पर हुआ है. मैं लगी रहा हूँ कि मुझे असल में इस बीच में उन निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला जिनको मुझ पर विश्वास था एक अभिनेता के तौर पर, बहुत ज़रूरी होता है. तो उस वजह से आपका काम निखर के आता है. एक तो स्क्रिप्ट होती है, ऊपर से अभिनेता होता, निर्देशक होता है जो आप पे विश्वास करता है, तो आपका जो काम होता है वो बहुत आसान हो जाता है. तो अभी तक जितने निर्देशकों के साथ मैंने काम किया इस बीच में, वो बहुत मजे थे. उनमें भी एक भूख थी, यंग हैं सब, तो वो काम निकलवा पाए उससे. और मैं अभी अभी तो सिर्फ लक है, मतलब मेरे ख्याल से सही सही काम मिल रहा है तो हो पा रहा है. बुरा भी आएगा वक्त, बुरा काम भी होगा, जल्दी ना हो, बस यही है मतलब.